खाना यहाँ पे रखा है तो उनको पता है कि अभी यही मिलने वाला है तो यही पे रुकेंगे। तो मैं इन्हें फीड कर रहा हूँ पैलेट्स, और इसके अंदर श्रिम्प्स है तो वो फीड करता हूँ, मिक्स करके रखा है। और ये फीड करता हूँ मैं टाइयो का, हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज हम सारे पेट्स को फीड करने वाले हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने टर्टल को फीड किया था, वैसे ही हम बाकी के पेट्स को भी फीड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो पानी का कलर आप देख सकते हो कि कितना ब्राउन या फिर ग्रीन होता रहता है, जो कि मैंने हर टाइम रीज़न बताया है आपको, ओपन टू स्काई होने के कारण ये ग्रीन होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सफा चट कर दिया है, सब खत्म। पानी गंदा नहीं है, पानी ब्राउन हो चुका है। फिल्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन हमारा जो है वो नीचे गिरने वाला था, तो मैंने अच्छा हुआ जल्दी देख लिया और इसको मैंने उतार लिया है। फिल्टर आप देख सकते हो कि कैसे उस फिल्टर में प्लांट्स उगे हैं जो कि अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फिशेस कम है तो मैं श्रिम के छोटे छोटे टुकड़े उनको डाल दूंगा, देख करके ऐसे ऐसे। ये रही है हमारी फिशेस जो डर के भाग रही है, ये देखिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कीड़े हैं नीचे आपको दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि वो क्या कीड़े हैं। आई थिंक ये फोकस हो रहा है, ग्लेयर आ रहा है, तो नीचे देख सकते हो आप इस जगह पर, ये जो मेरी उंगली दिख रही है उस जगह पर, तो वो क्या कीड़े हैं मुझे पता नहीं था। तो जितने भी स्नेल्स हैं वो मर जाते हैं, तो उनके ऊपर ये लग जाते हैं और उनको खा लेते हैं, तो उसी वजह से ये कीड़े इसमें बनते हैं। तो वो हमारे बाकी के फिशेस के लिए या फिर बाकी जानवरों के लिए जो भी पानी में रहता है उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, तो ये बात अच्छी है। और वो क्लीनिंग क्रू है तो अच्छा है कि ये अच्छे से हमारा जो बकेट फिल्टर है उसको क्लीन रखेंगे। तो ये देखिए फिशेस स्टार्ट हो गए हैं हमारे खाना खाने, मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से खा पाएंगे, इसीलिए बनाए हैं। दो मेल और मुझे इसमें दो फीमेल्स दिख रही है, छोटा बेबी तो नहीं दिख रहा है, शायद चुप गया होगा। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने हमारा जो मिनी पॉन्ड बनाया था, हमने टब में बनाया था, वो मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो फेल हो चुका है। फेल क्यों हुआ है वो भी मैं रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये रहा हमारा पॉन्ड, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी एल्गी और सब कुछ जमा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें फिशेस नहीं रहे। अभी आप बोलोगे कि आपने ये DIY जो चीज़ है वो फिशेस को, ये बर्ड्स को डराने के लिए लगाई थी, तो फिर आप ही के फिशेस जो बर्ड्स ने खा लिए, तो फिर इस चीज़ का क्या काम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये पाइप ऊपर लगा हुआ दिख रहा है, वो मैंने बाद में लगाया, क्योंकि ये जो था जब भी हिलता था वो ऊपर ऐसे अटक जाता था, तो फिर मैं जब भी आता था तो उसको निकाल के नीचे रख देता था। तो उसी अपॉर्चुनिटी को जो बर्ड्स है, जो किंगफिशर बर्ड है, वो खा लेता था, और उसने सारे मेरे फिशेज जो है वो खा लिए इतने प्लांट्स होने के बावजूद, क्योंकि ये ऊपर अटकता था। उसके बाद मैंने ये लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे सारे फिशेस जो है वो उसने ख़त्म कर दिए थे। ये रहे हमारे टीरेक्स भाई साहब जो कि पास कर रहे हैं। अभी धूप थी लेकिन थोड़े बादल छा गए हैं तो धूप कम हो गई है, लेकिन इसे पता है कि कौन से टाइम पर धूप कहाँ आती है, तो ये पास कर रहा है, ये देखिए। और इसने मचाई हुई गंद में इसने मेरा ये पानी का बाउल है वो गिरा दिया है। देखिए, ये अभी मुझे इसका इंक्लोजर क्यों बनाना पड़ेगा, मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका एक ये भी रीज़न है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत गंदगी करता है। देखिए, जब भी ये पूप करता है तो बहुत ज़्यादा करता है, पूप और पी इनकी एक साथ होती है, तो उसकी गंद इतनी होती है, इतनी गंदगी होती है कि ये देखिए कहाँ तक जाता है।
ये पूरा इसका पानी जो है वो पूरा फैल जाता है, नीचे पूप, ऊपर पूप, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सब जगह पे फैला लिया है, और इसको मुझे फिर बाद में नहलाना पड़ता है। देखिए आ गया, इसको भूख लगी है, तो अभी हम इसके लिए ताज़ा खाना निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हम इसके लिए ताज़ा खाना निकाल लेते हैं। ये अभी बास कर रहा था तो गरम गरम लग रहा है, और आप शेड देख सकते हो इसका। मैं इसको छोड़ के इसके लिए खाना लेके आता हूँ। तो ये देखिए गाइस कितना सारा खाना है टी-रेक्स के लिए, बहुत ज़्यादा। देख सकते हो कि कितने सारे फूल आए हैं हिबिस्कस के, जो हम उसे डालेंगे। आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैरायटी में है। ये एक वैरायटी है, ये सामने एक वाइट वैरायटी है, वाइट वाले, और ये एक वैरायटी है, जो कि सब हिबिस्कस के अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं। तो हम अभी बहुत ज़्यादा फूल लगे हैं इसके ऊपर, तो हम सारे फूल निकाल लेंगे और हमारे टीरेक्स को खिलाएंगे। इसे भी निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी तीन चार फूल आते ही रहते हैं, तो इन्हें भी निकाल लेंगे। यहाँ पे तीन फूल हैं, ये देखिए यहाँ पे दो, तो गाइस बहुत सारे फूल मैंने निकाल लिए हैं। अब इससे इसका पेट बहुत अच्छी तरह से भरेगा। ये देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ ना गाइस रूम में, तो बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि इसने पूरा गंदगी करके रखा है। तो अगर आपको भी इग्वाना आपके घर में रखना है, बेडरूम में रखना है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा इन्क्लोजर और अच्छा सबस्ट्रेट उसके नीचे रखें, या फिर पेपर या ऐसी कुछ चीज़ें रखें, ताकि वो जो गंदगी है वो सोख कर ले। इसका जो एन्क्लोजर है वो जल्द ही बनेगा, तो ये सब मेस और उसको जो जगह कम पड़ रही है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये घूमता रहता है बेड में, ये भी एक मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ये बेड पे भी पूप कर देता है। तो देखिए कितने मज़े से खा रहा है। तो मैं ये सारे इसके नीचे के जो ग्रीन पार्ट है वो निकाल के उसको देता हूँ, नहीं तो ये ऐसे आधा आधा खा के नीचे फेंक देगा। देखिए आधा आधा खा के नीचे फेंक देगा, तो मैं ये सारा अच्छे से निकाल के इसको खिलाता हूँ। मैंने सारे ग्रीन पार्ट्स इसके निकाल लिए हैं, तो अब ये बहुत ही अच्छी तरीके से खा रहा है। धूप भी आ रही है, तो इस टाइम पे बहुत अच्छी धूप मिलती है उसको, बास्किंग भी बहुत प्रॉपर है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और हेल्दी भी रहेगा। तो देखिए अभी पूरा का पूरा फ्लावर वो अच्छी तरह से खा पाएगा, और खा पाता है। ये स्टेम रहेंगे नीचे ये ग्रीन पार्ट, तो वो नहीं खा पाता है और वो वेस्ट कर देता है पूरा फूल। तो अभी देखिए ये पूरा खाएगा, देखिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अब इसे खाने देते हैं। अभी हम फीड करेंगे हमारे फ्लावर हॉर्न्स और फिशेस को, और मैं आपको बाउल की भी क्या पोजीशन है अभी मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा बाउल, जिसमें अभी फिशेस है और एक श्रिम्प है। तो कहाँ गए, ऊपर से देखना पड़ेगा। ये देखिए ये आ गए। तो इसमें आपको जो मस्कीटोज़ के लार्वा थे वो एक भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने जिस दिन मैंने ऐड किया उसके शाम तक तो सारे ख़त्म कर दिए थे, सारे ख़त्म। और अभी आप देख सकते हो इनको कि ये कैसे हेल्दी है। आपको बाउल भी बहुत क्लीन दिखेगा, ये देखिए ऊपर आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही क्लीन हो चुका है बाउल, इसमें कोई भी लार्वा नहीं है, अभी टेंशन नहीं है कोई भी।
कि इसमें से मच्छर बनेंगे और काटेंगे तो बीमारी आएगी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम इन्हें फीड करते हैं। मैं इसमें बस दो ही पैलेट्स डालूंगा, छोटे छोटे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने पैलेट्स निकाल ली है, ज़्यादा नहीं फीड करूँगा, छोटे हैं फिशेस तो इतना काफ़ी है, तीन पैलेट्स। तो देखिए इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जो फूड है इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाथ धोने के बाद भी इसका स्मेल नहीं जाता है। तो अभी जब भी इनको पता चलेगा तो ये खा लेंगे। देखिए मेल फीमेल को कैसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है मीटिंग के लिए, ये मीटिंग डांस कर रहा है, ये देखिए। तो ये रहा हमारा फ्लावर हॉर्न टैंक, जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना क्लियर है, पहले से ज़्यादा गंदगी है, वो नीचे बैठ चुकी है। अभी ये ज़्यादा ज़ोरों से स्विम करेगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा पानी, पानी में वो गंदगी। तो इसको मैं ये फीड करता हूँ। तो अब इसका स्पीड देखिए, मैं इसे एक ही टाइम फीड करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। देखिए पूरी गंदगी उठा दी उसने नीचे से। तो गाइस क्या होता है कि आप कितना भी क्वालिटी का फूड खिलाओ, मैं हिकारी का भी इसको खिलाऊंगा तो भी इसको हेड नहीं आएगा, क्योंकि इसके जेनेटिक्स में ही नहीं है वो बात, नहीं है उसकी ब्लड लाइन ही अच्छी नहीं है, तो फिर इसका हेड नहीं आने वाला है आप कुछ भी करो। तो ये हेल्दी है, इसमें वर्म्स भी नहीं है, डिवॉर्मिंग भी प्रॉपरली किया है इसका, ये हेल्दी दिख रहा है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही एक्टिव रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता। ये देखिए देखिए ये रहा हमारा स्नेल, ये नॉक्टर्नल होते हैं तो मैं इसको शाम को खिलाऊंगा, जो भी पत्ते हैं वो उसके केज के अंदर डाल दूंगा तो वो अपने आप से खा लेगा। तो मेरा एक तरीका है मेरे फिशेस को खिलाने का, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कॉन्विक्स सिकलेट है वही अकेला बाहर है, दूसरा जो है तो ये बैठा है यहाँ पे। तो जब भी मैं खिलाऊंगा, जो छुपे हुए फिशेस जो होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनको खाना खिलाया है। तो शुरुआत से ही मैंने इनको आदत लगाई है, मैं कुछ इस तरह से टैप करता हूँ, आप देखिए। देखिए अभी आएगा। गाइस अभी ये डर रहा है क्योंकि इसने उसको भी मारना चालू कर दिया है, तो अभी ये बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने उसको फूड दिखाया, सब किया, लेकिन ये अभी बहुत डर रहा है, शायद इसके पंख भी खाए होंगे, जो फिन्स है वो भी कट किए होंगे। तो लेट्स सी, उसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये बाहर आता है कि नहीं। देखिए देखिए यहाँ पे आके उसके ऊपर एटीट्यूड दिखा रहा है, देखिए गुस्सा कर रहा है, इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा है। ये देखिए आ गया है गाइस, देखिए उसको मार रहा है, ये नहीं आ रहा था वो, ये देखिए। मैं मेरे फिशेस को इतना पहचानता हूँ कि मुझे पता रहता है कि ये क्या हो रहा है। देखिए देखिए कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, जैसे मैंने बोला था कि ये सबसे ज़्यादा बदतमीज़ फिश है, तो मैं इसे नहीं रखना चाहूँगा, अफ्रीकन सिकलेट्स ही लाएंगे, तब इसको निकाल देंगे, किसी और को दे देंगे। ये देखिए भाग गया, उसको खाने भी नहीं दिया। देखिए कैसे कोने में बैठा है वो डर के, शायद उसने एक दो पैलेट्स उठाई है, लेकिन एटीट्यूड देखिए इसका, देखिए। सो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे मील वर्म्स जो कि बेबी से बस 3 से 4 दिन में इनकी ग्रोथ देखिए कितने बड़े हैं, कितना साइज गेन कर लिया है इन्होंने, मैं भी शॉक्ड हूँ
इतनी बड़ी साइज इन्होंने इतने कम समय में बना ली है। देखिए इनका भी फीड ख़त्म हो गया है, तो इनको भी फीड डालेंगे आज। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे ऊपर दिख रहे हैं। इतना काफ़ी है, इनको भी थोड़ा फीड करेंगे। टीरेक्स ने ये सारा फूड ख़त्म कर लिया है। यहाँ बराबर है, पेट भरने के बाद यही होने वाला है ना, एटीट्यूड दिखाओगे। अच्छी बात है भाई, दिखाओ एटीट्यूड ही दिखाते रहो। तो आज के लिए इतना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।